हमने लास्ट टाइम ये डिस्कस किया था, कोई भी चार्ज पार्टिकल क्यू अगर मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर में वेलोसिटी वी वेक्टर के साथ मूव करता है तो उसके ऊपर फोर्स एक्सपीरियंस की जाती है, एफ इजिकल टू बी क्यू बी साइन थीटा। और वेक्टर फॉर्म में इसको कैसे लिखा जाता है, क्यू इंटू वी क्रॉस बी। तो अगर मैं ये पूछूं कि थीटा एंगल किसके किसके बीच में है, तो थीटा एंगल है वी वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में। फिर हमने ये डिस्कस किया था कि अगर मान लो एंगल थीटा जीरो है, यानी कि चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग के साथ मूव कर रहा है, तो एंगल थीटा जीरो होगा तो फोर्स एक्सपीरियंस जीरो होगी। और चार्ज पार्टिकल अगर परपेंडिकुलर मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड के, तो थीटा 90 होगा, फोर्स मैक्सिमम होगी। ऐसा डिस्कस किया। फिर हमने डायरेक्शंस की बात की। डायरेक्शंस के ऊपर थोड़ा और काम करते हैं ताकि और प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि इसके बिना बात बनेगी नहीं। तो ये बताओ कि हमने डायरेक्शंस में क्या सीखा कि अगर सपोज करो आपके पास कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है विद अ वेलोसिटी ऑफ वी वेक्टर, और ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, और मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, ये ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, बी वेक्टर एस है, तो ये बी वेक्टर है। तो आपको इसमें क्या निकालना है, अगर वेलोसिटी वी वेक्टर है, मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर है, तो चार्ज पार्टिकल फोर्स एक्सपीरियंस कहाँ करेगा, इसके लिए क्या यूज़ करेंगे, फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल। तो मैंने कहा था ये फर्स्ट फिंगर, ये सेंट्रल फिंगर, और ये फोर्स 90 डिग्री पे। तो फर्स्ट फिंगर जो है ये बी को रिप्रेजेंट करती है ऊपर, सेंट्रल फिंगर रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, तो फोर्स कहाँ लगेगी, बाहर। तो ये बी, ये वी और ये एफ। कोई डाउट इसमें? ठीक। डायरेक्शंस को लेके काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाती है कभी कभी, क्योंकि कन्फ्यूजन इसलिए क्योंकि हमने कुछ डायरेक्शन पिछले चैप्टर में भी की थी और अब भी आ गई। तो मैं एक ही बारी में आपको तीनों रूल समझाता हूँ। हमने अभी तक ये किया कि अगर आपके पास कोई भी करंट कैरिंग वायर है, अगर आपके पास कोई करंट कैरिंग वायर है और मैं ये बोलूं कि करंट कैरिंग वायर यहाँ पर r डिस्टेंस पे b लगाएगी, इनफाइनाइट वायर का फॉर्मूला है म्यू नॉट बाय 4π 2 इंटू i डिवाइडेड बाय r लगाएगी। डायरेक्शन के लिए क्या लगाएंगे, लेफ्ट की राइट हैंड रूल, राइट हैंड रूल, लेफ्ट तो फोर्स के लिए फ्लेम, ये तो पुराना चैप्टर पूछ रहा हूँ, ये तो नया है ही नहीं। तो इसमें अगर मैं ये पूछूँ कि ये करंट कैरिंग वायर है और ये आसपास बी लगाएगी, बी की डायरेक्शन के लिए फ्लेमिंग का नहीं, आपका अपना राइट हैंड, फ्लेमिंग वर्ड यूज कभी नहीं करना अभी इसमें, राइट हैंड में अपना राइट हैंड, तो हम थंब को करंट के साथ और बी वैक्टर कैसे होगा, बोर्ड के इनसाइड। तो यहाँ पर बी वैक्टर कैसे है, बोर्ड के इनसाइड, इनसाइड को क्या लिखते हैं, क्रॉस। ठीक है यहां तक। फिर दूसरा रूल क्या किया था, अगर आपके पास कोई आर्क है, ये आर्क है या सेमी सर्कल है जिसमें आई अमाउंट ऑफ करंट है, तो इसमें अगर बी की डायरेक्शन बतानी है तो चार फिंगर करंट के साथ घूमेंगे, तो बी वेक्टर कैसे आएगा, बोर्ड के इनसाइड। क्या ये स्टेप क्लियर है यहां तक? तो इसके अंदर बी वेक्टर कैसे होगा, इनसाइड। इसमें बी वेक्टर कैसे होगा, इनसाइड। मैंने क्या यूज किया, राइट हैंड रूल। लेकिन अगर मैं ये पूछूं कि चार्ज पार्टिकल नीचे जा रहा है विद अ वेलोसिटी ऑफ वी वेक्टर, चार्ज पार्टिकल क्यू पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल नीचे जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो कहां पर है, वो राइट की तरफ है, कितना, बी वेक्टर। तो चार्ज पार्टिकल फोर्स कहां एक्सपीरियंस करेगा, इसके लिए फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। तो याद रखना, जब आपको बी की डायरेक्शन निकालनी है तो राइट हैंड रूल, जब आपको एफ की डायरेक्शन निकालनी है तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। तो बी बोर्ड के साथ, ये रहा फर्स्ट फिंगर बी, सेंट्रल फिंगर डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, फर्स्ट फिंगर बी वेक्टर, सेंट्रल फिंगर डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, तो फोर्स कहां लगेगी, बाहर। तो क्या ये स्टेप क्लियर है कि बी की डायरेक्शंस के लिए तो आप यूज करेंगे राइट हैंड रूल, और फोर्स की डायरेक्शन के लिए क्या यूज करेंगे, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। समझ में आ रहा है यहां तक? कोई डाउट इसमें? फिर देखो, सपोज करो आपके पास सपोज एक करंट कैरिंग वायर है, आई अमाउंट ऑफ करंट है, और सपोज इसके आर डिस्टेंस दूर
अगर मैं कहूं कि बी की वैल्यू निकालो तो फॉर्मूला क्या होगा, इनफाइनाइट वायर का म्यू नॉट बाय 4π 2i डिवाइडेड बाय आर, कोई डाउट इसमें? सही है। और डायरेक्शन कहाँ होगी इसकी, बी की इनसाइड या आउटसाइड? कैसे? राइट हैंड। बी की डायरेक्शन है, एफ की डायरेक्शन नहीं है। तो आप क्या करेंगे, थंब इधर और बी कैसे होगा, इनसाइड। क्या स्टेप समझ में आ रहा है? स्ट्रेट वायर है, बैट से बट लॉक किया हुआ है, थंब करंट के साथ है और बी कैसे है, इनसाइड है। तो यहां पर बी कैसे है, इनसाइड है। क्या ये स्टेप यहां तक क्लियर है? कोई डाउट इसमें? क्लियर है, ठीक। इसमें सपोज करो एक चार्ज पार्टिकल पड़ा हुआ था। अब अगला क्वेश्चन है, यहां पे ये वायर बी लगा रही थी और एक चार्ज पार्टिकल था क्यू जो रेस्ट पे है, तो क्या ये चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगेगी जबकि ये मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा हुआ है वायर के? हाँ या ना? नहीं लगेगी। क्यों? फॉर्मूला क्या है एफ का, बी क्यू बी साइन थीटा। वेलोसिटी क्या है चार्ज पार्टिकल की, जीरो। तो फोर्स एक्सपीरियंस क्या है, जीरो। लास्ट टाइम डिस्कशन की थी कि रेस्ट पे पड़े हुए चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड कोई फोर्स नहीं लगाती, सही है। लेकिन सपोज मैंने ये कहा कि चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है विद द वेलोसिटी ऑफ वी वेक्टर, अब बताओ चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगेगी कि नहीं लगेगी? चार्ज पार्टिकल वी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड बी भी प्रेजेंट है, चाहे वो वायर कहे तो क्या हुआ, प्रेजेंट तो है। और बी की डायरेक्शन कहाँ है, बोर्ड के अंदर। तो बी वेक्टर और वी वेक्टर में एंगल क्या हुआ, 90, क्योंकि वी वेक्टर ऐसे है, बी वेक्टर बोर्ड के अंदर है, वी वेक्टर ऊपर है, बी वेक्टर बोर्ड के अंदर है, तो एंगल उनके बीच में क्या है, वी और बी में 90। क्लियर है यहां तक रोहिन? क्लियर है। V और B में एंगल कितना है, 90। फोर्स बोलो क्या लगेगी, F इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स है B Q V साइन 90, क्योंकि V V में और B में एंगल क्या है, 90। तो इसमें B का फॉर्मूला म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 I बाय R इंटू क्यू इंटू वी। डायरेक्शन फोर्स की कहां लगेगी, चार्ज पार्टिकल पे फोर्स कहां लगेगी, क्या लगेगा, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, क्योंकि फोर्स निकालने के लिए फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, बी निकालने के लिए राइट हैंड रूल, सही है। फोर्स फ्लेमिंग का, बी कहां पर है, बोर्ड के इनसाइड, वी कहां पर है, पॉजिटिव चार्ज कहां है, ऊपर। तो फोर्स कहां लगेगी, टुवर्ड्स लेफ्ट, बी बोर्ड के अंदर, सेंट्रल फिंगर डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, तो फोर्स कहां लगेगी, लेफ्ट। तो ये मैग्नेटिक फोर्स टुवर्ड्स लेफ्ट, ठीक, समझ में आ रहा है यहां तक? तो बी बोर्ड के अंदर, फ्लेमिंग का रूल, सेंट्रल फिंगर ऊपर, तो फोर्स मेरी तरफ, ठीक। अब जैसे सपोज करो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लो बी वेक्टर बोर्ड के इनसाइड है, बी वेक्टर बोर्ड के इनसाइड है, और मान लो एक चार्ज पार्टिकल है, ये वो चार्ज पार्टिकल है जो मूव कर रहा है विद द वेलोसिटी ऑफ वी वेक्टर, और ये क्यू है, इसके ऊपर फोर्स कहां लगेगी, कैसे, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, क्योंकि एफ निकालने के लिए फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। तो बी कैसे है, बोर्ड के इनसाइड है, सेंट्रल फिंगर कैसे है, राइट है। सेंट्रल फिंगर क्या रिप्रेजेंट करती है, डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव मत बोल देना, इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं लगता, डायरेक्शन ऑफ ओनली पॉजिटिव चार्ज। तो फोर्स कहां लगेगी, अपवर्ड। तो क्या ये स्टेप सबको क्लियर है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स सबको निकालना आ रहा है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स कैसे लगेगी, क्लियर है, कोई डाउट इसमें, ठीक।